सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश नहीं होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। आज का पंचांग 12 अगस्त 2020, दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह 11:16 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:25 से 2:01 तक रहेगी। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 7:36 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 12 अगस्त 2020, आज बोलने में सावधानी रखें। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बातों को उजागर कर सकता है। बोलने से पहले सोच लें। अपने बातचीत का विषय अपने और सामने वालों तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे के बारे में बात करने से बचें। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान किसी पुराने दोस्तों से मुलाकात की संभावना है, पुराने पलों को याद करेंगी। किसी अनजान व्यक्ति से अचानक ही मुलाकात आज आपकी भाग्योदय संबंधित कोई द्वार खोल सकती है। युवा वर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे और भविष्य संबंधित फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत भी आएगी। आज के दिन आपके लिए कुछ खास कामों के पूरा करने का है, इसलिए आज आपको अपने लिए उतना ही काम लेना चाहिए जितना आप समय पर पूरा कर सकें। अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से बचें। किसी भी स्थिति में खुद को तनावग्रस्त ना होने दें। कुछ दोस्तों से रिश्तों में टकरार भी हो सकता है, परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ें। स्थितियां खुद धीरे धीरे सुधर जाएगी। सावधानियां, अपने तीखी व क्रोधपूर्ण वाणी पर नियंत्रण रखें। इसकी वजह से आपको अपयश का भागी बनना पड़ सकता है और पूंजी निवेश से पहले सभी पहलुओं का विचार अवश्य करें। लव लाइफ की बात करें तो प्यार आपके समक्ष ही है, परंतु आप उसकी तरंगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके आसपास के लोग आपसे कैसा व्यवहार और बातचीत करते हैं। कोई आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। आपके रिश्ते में लोगों के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने साथी से वार्तालाप करें एवं उसकी बातों को ध्यान से सुनें, जिससे कि समस्या का समाधान निकल सके। करियर की बात करें तो लोग आपकी विचारधारा से प्रभावित होंगे, लेकिन अपने बातों को उनके ऊपर ना थोपें। हालांकि आपको धन मिलने में देरी हो सकती है, परंतु ये धन आपको मिलने की उम्मीद है। कारोबारी विस्तार संबंधित कोई योजना हाथ में आ सकती है। पूरी तरह से एकाग्रचित होकर उस पर कार्य करें, क्योंकि भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। सेहत की बात करें तो आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता ना करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज पूरी हो सकती है। आज जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। इसके चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को ना भूलें। आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे विशेष है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज का उपाय,
आज आप गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।